श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग प्रेम संपुट के ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। ये संग श्रीमती राधिका अपने प्रेम की अनुभूति देवांगना यानी नारीवेशधारी कृष्ण के निकट वर्णन कर रहे हैं। जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे राधिका जी भी वह नारी वेशधारी कृष्ण के निकट प्रश्न करने लगे है। ये आप क्या तुम इस समय अपने प्रियतम से रहित विरहणी हो गई हो अथवा तुम प्रियतम के किसी दोष को देखकर अत्यंत संतप्त हो रही हो अथवा तुमसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण तुम्हारी प्रियतम की प्रति भंग हो जाएगी इस आशंका से डर रही हो अथवा यद्यपि तुमने स्वयं कोई अन्याय नहीं किया फिर भी कोई खल व्यक्ति तुम्हारी विरुद्ध तुम्हारे एकांत के पास मिथ्या अभिजोग लगाकर प्रीति को नष्ट करने के लिए चेष्टा कर रहा है। इसलिए तुम क्या व्यथित हो रही हो अथवा जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है वह मंद अथवा दुर्भागा होने के कारण तुम्हारा अभिप्रेत नहीं है इसलिए तुम उनके प्रति घृणा भाव का पोषण कर रही हो अथवा किसी एक परम दुर्लभ श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम्हारा चित्त असक्त हो गया है। हाय हाय, मैंने जिस प्रकार तिरस्कार करने के लिए निपुण गुरुजनों के द्वारा तिरस्कृत हुई है उसी प्रकार तुम भी क्या अपने कटुवादी गुरुजनों के द्वारा तिरस्कृत हुई हो क्या इसलिए तुम इस प्रकार से विषाद का अनुभव कर रही हो। अच्छा, ये समस्त प्रश्न किसका है किसका वास्तव रूप में श्रीमती राधिका के अपना ही प्रश्न है और वही प्रश्न किसको पूछ रही है नारी वेशधारी स्त्री वेशधारी कृष्ण के पूछ रहे है। तथापि रमणी वेशधारी श्री कृष्ण को शांत देखकर राधिका और भी उनको अनेकों प्रकार की आशंका करते हुए प्रश्न करने लगी। ये बोलो री सुंदरी, तुम्हारी सपुत्री अर्थात स्वतन क्या बिंदु मात्र सौभाग्यमत से उन्मत्त होकर गर्वित हो रही है।
इस कारण उसकी बुद्धि विकृत होने के होने से क्या यह तीक्ष्ण वाक्य बाणों से तुम्हारे हृदय को जर्जरित कर रही है। किंतु तुम्हारे लिए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जगत में तुमसे अधिक सौभाग्यशालिनी कोई रमणी होगी मैं ऐसे नहीं समझते। अतः तुम्हारी कोई सौतन होगी जिससे भी संभावना भी नहीं है। इसका कारण है कि कोई भी पति तुम्हारे समान सर्व गुण संपन्न स्त्री का परित्याग करने के अन्य स्त्री से विवाह क्यों करेगा। हे चंद्रमुखी, हमने भगवती पूर्णमासी देवी से मुख से सुना है कि मोहिनी नामक श्री भगवान का एक अवतार हुआ था। उसने अपने असामान्य रूपलावण्य से महादेव तक भी विमोहित कर दिया था। क्या तुम वही मोहिनी हो? तुम अपनी इस रूपराशि से कैसे विमोहित करने के लिए सहसा उदित हुई हो, मुझे जरा बतलाओ तो। उस समय तुमने महादेव को विमोहित किया था यह सत्य है, किंतु तुम स्वयं मुग्धा नहीं हुई थी। किंतु अब तुम्हारे कटाक्ष बाणों से विद्ध होकर श्रीहरि यदि तुम्हारे प्रति कटाक्ष निक्षेप करें, उस कटाक्ष बाण से विद्ध होकर श्रीहरि यदि तुम्हारे प्रति कटाक्ष निक्षेप करें, तो तुम भी अत्यधिक मुग्ध हो जाओगे। अर्थात तुम्हारे हमारे नागेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण दोनों के ही रूप के कोई तुलना नहीं है, है? अतः परस्पर दर्शन से तुम लोग आत्म गंभीरता से बंधन उल्लंघन कर एक दूसरे रूप के आकृष्ट हो जाओगे। उस समय तुम्हारे परस्पर आकर्षण से एक अपूर्व कौतुक रस का आविर्भाव होगा। इस प्रकार उत्सुक चित्तमयी श्री राधिका के मुखकमल से निकली मधुर वचन सुधा का पान करते करते देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के चित्त में ये एक जातीय अर्थात एक तरफा संभोग रस का आस्वादन होने लगा, तथा उस आस्वादन के अनुभव स्वरूप श्री अंग में जो रोमांच प्रकाशित होने लगा, तो उसे गोपन करने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र द्वारा अपने समस्त अंगों का ढकने लगे। वे अपना शरीर ढकते देखकर राधिका उनके दैहिक रोग का अनुमान करते हुए बोली, अरे सखी, तुम क्या अपने शरीर में किसी रोग का अनुभव कर रही हो? तुम्हारे बक्षस्थल में, पीठ में अथवा मस्तक में क्या कोई पीड़ा है? श्री राधिका का इस प्रकार उससे रोग का अनुमान करते हुई सखी विशाखा ने कह लगी, अरे विशाखी, पूजनीय पिता ने मेरे प्रति वात्सल्य के कारण सर्वरोग विनाशक जो बहुमूल्य तेल भेजा था वह घर में रखा है, तुम उसे शीघ्र लेकर आओ और उससे मेरा तेल भी सार्थक हो जाएगा। और प्रीति का यह स्वभाव भी है कि यदि प्रियजन के लिए अपनी निज वस्तु का व्यवहार किया जाए तो वो ऐसे लगता है यह वस्तु सार्थक हो जाएगी। तात्पर्य क्या है? राधा जी कह रही है ये मेरे पिताजी विश्वभानु महाराज मेरे लिए भी एक सुंदर कोई औषधि युक्त तेल भेजा था, वो तेल मेरे कमरे में रखा है और उसको तेल लेकर के आओ और इस देवांगना के जो है शरीर पर लगाया जाए।
लगाने से हमारा दो काम होगा, क्या? वो तेल की लगाने से है मेरे पिताजी की भी दिए हुए जो श्रम जो है वो सार्थक होगा, है। और दूसरी क्या है, इनके साथ हमारे प्रेम होने के नाते, प्रेम की तात्पर्य क्या है, हम इनके साथ सेवा करके मेरा भी संतुष्टि होगी, है। आश्रय इसलिए करें, सखी विशेखे मुझे इस नई सखी के प्रति अत्यंत प्रेम हो गया है, है? कैसे प्रेम हो गया, देखते ही प्रेम हो जाता है, है? प्रेम के जो तीन प्रकार भी कहा गया, एक दर्शन जात प्रेम, एक श्रवण जात प्रेम और एक एक स्वाभाविक प्रेम होता है, है? इसमें दे श्रवण करके किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुई थी, कृष्ण के प्रति, रुक्मिणी के, रुक्मिणी कृष्ण के महात्मा सुन करके प्रेम, दर्शन जा तो प्रेम कुब्जा के लिए भी कहा गया, कृष्ण के दर्शन करते ही प्रेम। और सहजात प्रेम गोपी के हृदय में, कृष्ण के प्रति जो प्रेम सहज, गोपी प्रेम न है कभू काम, चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं सहज गोपी प्रेम कभू नहीं काम। सहज माने स्वाभाविक, यहाँ पर राधा जी एक कृष्ण वेशधारी स्त्री को देख करके एक स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो गया है, कोई कारण नहीं है, इसलिए राधा जी शंकर कर रही है, देखो ये सखी मुझे कोई ऐसे नहीं सखी प्रति अत्यंत प्रेम हो गया है, मेरे प्रति पिताजी का जो स्नेह है यह इस तेल के रूप में मूर्तिमान होकर विराजमान है, है? अर्थात ये तेल में पिताजी मुझे जो दिया था उसमें क्या है, वो तेल मानो तेल नहीं है, साक्षात स्नेह है भगवान के, जो साधक रूप में देखिए भगवान हमारे दिए हुए वस्तु के कब ग्रहण करते हैं, जब उसमें मेरा स्नेह प्रीति रहता है, है कि नहीं। गीता में भगवान भी कहते हैं तीन प्रकार के वस्तु लोग मुझे प्रदान कर दे, तीन प्रकार के माने तीन भाव से, एक तामसिक भाव से कोई देते हैं और एक राजसिक भाव में देते हैं और एक व्यक्ति सात्विक भाव में देते हैं, है। तो उसी प्रकार सात्विक भाव कहने की यहाँ पर तात्पर्य है स्नेह प्रीति के साथ, जो स्नेह प्रीति के साथ देते हैं तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार राधा जी भी कह रही है मेरे पिताजी विश्वभानु महाराज मेरे लिए जो तेल भेजा था वो तेल नहीं है, मैंने साक्षात मूर्तिमान उनकी हमारे प्रति स्नेह था, है। ठीक उसी प्रकार वह स्नेह जो है ये नई जो रमणी आई है अर्थात कृष्ण वेशधारी, ये नारी वेशधारी कृष्ण, देखो इनके प्रति हमारे एक स्वाभाविक रूप में प्रेम उत्पन्न हो गया, अतः सर्व रोग रोगहारी तेल को मैं स्वयं ही अपने हाथ से इस सुंदरी के सर्वांग में मर्दन कर दूंगी। राधा जी कितना प्रीति होती जा रहे, राधा जी अभी पहचान नहीं पा रही है वही कृष्ण है, सोच रहे हैं ये कोई सुंदर व देवांगना होगी गई, इसके द्वारा इस देवी के सारी पीड़ा दूर हो जाएगी और इससे मस्त पर भी
अत्यंत निपुणता निपुणता के साथ तेल का मर्दन करेंगे, जिससे इसके समस्त रोग का उपचार हो जाएगा। सारे सखियाँ राधा जी की सेवा करने के लिए तैयार रहते, राधा जी क्या कर रही है? राधा जी इनको सेवा करने के लिए व्यस्त हो रही है। और इसी के देखो, रोगों का दूर करने वाली उत्कृष्ट सुगंध युक्त वस्तुओं को डालकर सुख प्रदान करने वाला गुनगुना जल लेकर के आओ। उस सुगंध गुनगुने जल से इसके भलीभांति स्नान कराकर मैं उसकी पीड़ा को दूर कर उसके मुख कमल को उल्लसित करूँगे, तभी यह मेरे साथ वार्तालाप करेगी। है, गर्म पानी से स्नान करना चाहिए ना, ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा हल्का नंबर, इससे शरीर के जो है ताप जो है नियंत्रण होता है। हे सखियों, मैंने इसके साथ इतनी कोमल और मीठी बात की, सन इसके तेल मर्दनादि हितकर कार्य में प्रवृत्त होने के लिए भी प्रस्तुत हुई, तथा निष्कपट स्नेह के साथ इनका कितना आदर भी किया, तथापि इसके मुख से एक बात भी सुन नहीं सके। यह तक वह कपटतापूर्वक अपने रोग की बात न कहकर उदास मुख होकर बैठी हुई है। है, राधा जी अपने सखियों के कहने लगे, देखो मैं इनके साथ इतने प्रश्न पूछा और इतने सेवा करने के लिए, तथापि ये उदास होकर के बैठी है। अब मैं इस सुंदर के रोगों की दूसरी एक नई चिकित्सा कराऊंगी। धन्वंतरी द्वारा प्रदान की गई दिव्य रसरूप औषधि द्वारा जिस प्रकार समस्त रोगों का शांति होती है, उसी प्रकार इस चिकित्सा द्वारा इसके देह प्राण मन तथा इंद्रियों की द्वारा संबोधित है समस्त रोगों की क्षणिक शांति हो जाएगी। इसके विशेषतः इसके द्वारा देहादि अत्यधिक पुष्टि भी होगी। है, उस नई चिकित्सा के विषय में बतला रही हूँ कि सुनो, यह सखी जो अब तक ही बात कहने में अक्षम है, तब इस प्रकार असाध्य रोग द्वारा आक्रांत होकर बैठी है, यदि हमारे कुंज के अधिस्तर के करकमल तल द्वारा इसके बक्षस्थल का सम्यक रूप से स्पर्शक करा दिया जाए, तो फिर भी यह सखी हंसेंगे, बात करने लगेगी, इस शिष्कारी भरेगी, अर्थात रसिक शेखर कृष्ण के हस्त स्पर्श रूप अनुर्वचनीय सुख का जब भी अनुभव करेगा, तो वो अव्यक्त शब्द करने लगेगी। अधिक क्या कहूँ, फिर किसी एक ऐसे कांति के धारण करेगी, वह हमें भी निरस्तर हंसाएगी, अर्थात इसके देह में श्री कृष्ण संभोग रस से उत्पन्न समस्त चिन्ह तथा उनके स्पर्श से असाधारण समस्त अनुभव को प्रकाशित करेगी, हमारे लिए वही आनंद का कारण होगा। श्री राधा के इस वचन को सुनकर देवांगना वेशधारी कृष्ण के मुख पर मंद हास्य उदित हो आया है, और उसे गोपन करने के उन्होंने झुके हुए मुखकमल को किंचित उठाकर अपने बाएं हाथ की मनोहर उंगलियों के द्वारा ललाट के ऊपर गिरी अलकावली को जरा सा हटा दिया, तथा मस्तक की अवगुंठन यानी घुंघट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। है, तब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण ने
रमणी के कंठ स्वर से समान रमणीय अति मधुर स्वर से जो कुछ वचनामृत श्रवण किया था राधा रानी की सखियों के साथ, चकोर की समान उत्सुक चित्त से उन समस्त वचन सुधा का पान करने के लिए परमानंद प्राप्त किया और साथ ही साथ किसी अनिर्वचनीय चमत्कृति की भी उपलब्धि की है। श्री कृष्ण के वचन से उन्हें जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता था, उस नवागत नई आई सुंदरी के मधुर वचन से भी उसी प्रकार का आनंद हो रहा है। यह नवागत सखी कहने लगी, अरे सुंदरी श्री राधे, मैं स्वर्गवासिनी एक देवी हूँ। अभी से अभी मुख खुला है, इतने समय तक कहने पर भी वो चुप रहे हैं। अभी उन्होंने क्या की, कहने लगे देखो अरे सुंदरी श्री राधे, मैं स्वर्गवासिनी एक देवी हूँ, मैं व्याकुल चित्त से किस लिए तुम्हारे समीप आई हूँ उसे श्रवण करो है। किसी एक अभिलषित विषय में मेरे कुछ जानने की इच्छा है, मेरी यह इच्छा तुम्हारे अलावा अन्य कोई किस प्रकार से पूर्ण कर सकता है, है। यह सुनकर श्री राधिका बोली, सुंदरी तुमने जो अपना देवी कहकर परिचय दिया यह मिथ्या नहीं है, मैं तो तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारी देवी होने का अनुमान कर लिया था, क्योंकि इस मर्त्यलोक की नारियों में तुम्हारे समान कोई सौंदर्य नहीं है, तुम्हारे रूप की कोई तुलना नहीं है, तुम अनुपम रूपवती हो और तुम्हारी तुलना केवल तुम ही हो है। वास्तविक वेदांत सूत्र में क्या गया गया, और रूपवत तत्पदार्थ प्रधानता एव ही, और उपवत जिनके भांति कोई वस्तु नहीं हो सकते है, मान जिसके रूपों के साथ किसी के साथ तुलना दे नहीं सकते, और इसे कहते हैं और उपवत है। यहाँ पर मायावादी लोग कहते हैं भगवान के रूप नहीं है, शंकरवादी के और रूपवाद जिसके रूप नहीं है, है? वत् शब्द के अर्थ होता है प्राचुर्य, प्रचुर परिमाण है। तत्पदार्थ तत् और रूपवत् तत् प्राधान्यत् एव ही, जिनकी रूप जो है किसी रूपों के साथ तुलना नहीं होगा, क्यों किसी रूपों के साथ तुलना दे तो तुलना कब दिया जाता है, पहले दो वस्तु हो है, दो वस्तु के साथ हम कंपेयर करते हैं, तीसरी वस्तु के साथ माने एकाधिक वस्तु के साथ तुलना होता है, है? इंग्लिश में तुलना कितना प्रकार होता है, इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है क्या, तो तीन वस्तु हो तो वस्तु की तुलना तब होता है, है? और तुलना तब होता है समान गुण विशिष्ट वस्तु के साथ तुलना होता है, है? विषमा वस्तु के साथ तुलना नहीं होता, नहीं विषमा क्या है, है? जो वस्तु एक एक जातीय नहीं है, है? गोजाति के साथ गोजाति की तुलना होता है, मनुष्य जाति के साथ मनुष्य जाति की तुलना होगा, है?
पशु के साथ मनुष्य का तुलना नहीं होता है, बी जाते है। ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ किसी वस्तु की तुलना नहीं होता, क्योंकि उसकी द्वितीय वस्तु है ही नहीं है, एक ही वस्तु है, एकमेव द्वितीयम, एक ही है, दूसरी वस्तु नहीं है, है। और उनके रूप क्या है, वो रूप के भांति कोई रूप हो ही नहीं सकता है, है। इसलिए कहता है और उपवत कहा गया है। सामान्य रूप में यदि किसी वस्तु का कमी हो तो उसका हम तुलना देते हैं, ये पंडित है, ये अधिक पंडित है, मैंने इसके ज्ञान अधिक है और इसके ज्ञान और भी अधिक है, है? एक मूर्ख के साथ पंडित के साथ क्या तुलना होगा, तुलना नहीं होता है, है? तुलना ने कंपेयर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं राधा जी जो कह रही है, ये मर्त्यलोक की नारियों में तुम्हारे समान कोई सौंदर्य किसका है, नहीं हो सकता है, है? नायं सिंगौ नितान्ते प्रसादत सर्जसिता नलिन गंधा रुचुकुतो अन्नम रासोत्सव्यस्य भुजदंड गृहीतो कंठ लब्धासेन उद्गाज ब्रजसुन्दरीनां। ब्रजसुन्दरियों की ये सौंदर्य माधुर्य है, इस जगत के स्त्रियों के साथ तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है, है? दूसरी स्वर्ग के रहने वाली जिनकी अंग की सुगंध से कमल की सौंदर्य माधुर्य की भी तिरस्कृत कर देते हैं, वो भी संभव नहीं है, है? और यहाँ तक भी वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के जो है सौंदर्य माधुर्य भी वो समस्त ब्रजरमणी के सौंदर्य माधुर्य के साथ कभी तुलना भी नहीं होती। इसलिए नायं शिवंगु नितान्ते प्रसाद तो सर्जसिता नलिन गंधा रुचकुत अन्नं रासोत्सव्यस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धासन जो उद्गाज ब्रज सुंदरीनां। ब्रजसुंदरियों की अर्थात ब्रजगोपियों के सौंदर्य माधुर्य से अतुलनीय है, वह ब्रजसुंदरियों की सौंदर्य माधुर्य तुलना थोड़ी भी दिया जाए वो कृष्ण के साथ हो सकता है, है? और किसी के साथ नहीं है, और कृष्ण के साथ भी वो पूर्णता नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्त्री जाति है, ये पुरुष जाति है, है? आया समझे? इसलिए करते हैं क्योंकि इस मर्त्यलोक की नारियों की तुम्हारे समान सौंदर्य किसका है बताओ, और तुम्हारे रूप की कोई तुलना नहीं है, तुम अपने अनुपम रूपवती हो और तुम्हारी तुलना केवल तुम ही हो बस, है? राधा जी ये कह रही है, वास्तविक सत्य कह रही है, ये कृष्ण की जो सौंदर्य माधुर्य वो कौन वर्णन करे, है? और इस शरद कमल नैने अर्थात शरद काल के समान, ये शरद कमल की समान मुख वाली मैं जो तुम्हारे साथ, तुम क्या पति विरहिणी हो इत्यादि बहुत प्रकार से वितर्क कर रही थी, यह तो वास्तव में सरल चित्त से परिहास पूर्वक कह रही थी, अतएव उसके लिए मेरा कोई अपराध ग्रहण मत करना, जब तुम मेरे प्रति स्नेहवती हो फिर भी मैं भी तुम्हारी ही हो गई हूँ। देवंगना बेशधारी श्री कृष्ण बोले हे राधे तुम मेरी सखी हो, अतएव तुम क्यों इस प्रकार संकुचित हो रही हो, मैं देवी होकर भी तुम्हारे अधीन हो गई हूँ, ऐसा विश्वास करो तुम्हारे प्रेम रूप तथा गुण समुद्र के मात्र
एक कण का अनुभव करने के लिए तुम्हारी दासी होने के लिए मेरी निरंतर इच्छा हो रही है। कौन करे? कृष्ण है। कृष्ण जो स्त्री वेश धारण करके आई है, अपने परिचय क्या दिया? स्वर्ग के कोई एक स्त्री देवांगना के रूप में परिचय दिया। अब मेरे प्राणियों की वेदना को ध्यानपूर्वक, अब मेरी प्राणों की वेदना को ध्यानपूर्वक सुनो, जिस कारण से मेरा यह दुर्निवार विषाद उपस्थित हुआ है, तू मेरे इस संशय को दूर करो। है मेरे हृदय में जो वेदना दुख हुई है, वो आप सुनो और उस संशय को आप दूर करो। इतने समय एक तुम्हारी कथारु अमृत के द्वारा सिंचित होने से मेरे हृदय का संताप किंचित मात्र भी दूर नहीं हुआ है। हे सखी, इस वृंदावन में जो वंशी धनी है, उसका प्रभाव हमारे स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करने के इतना प्रबल हो गया है कि वहाँ की साध्वी रमणीया पति का कंठ आलिंगन करना तो दूर की बात है, उसका रमन करने पर भी अपने मन को घृणा अनुभव करने लगती है। अर्थात उस समय निखिल जगत के प्रति श्री कृष्ण उनके चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं, अन्य अपराकृत पृथ्वी के प्रति उनका मन धावित नहीं होता है। कृष्ण संबंधी वस्तु मात्र ही इस प्रकार सामर्थ्य होता है कि उसके बिंदु मात्र संबंध होने पर भी किसी भी प्राकृतिक वस्तु की भी भोग वासना उस संबंध का स्थान नहीं है ले सकती है। श्रीमद वह देवांगना करे, देखो इस मर्त्यलोक में जो कृष्ण के वंशी धनी, ये कहाँ पहुँच गए? स्वर्गलोक में। और स्वर्गलोक में वंशी धनी की इतना एक महत्व है, स्वर्गलोक में रहने वाली स्त्रियां भी विवश हो जाती है। विवश समझते हो? है बेल्डमेंट हो जाती है। और उससे क्या होते हैं वो समस्त स्वर्गलोक वासिनी स्त्रियां अपने पतियों के त्याग मानो दे करके और वही कृष्ण के मुखारविंद से जहाँ पर वो वंशी धनी का आता है उसी के मानो आश्रय करके है मन ही मन वो दौड़ लगा देते हैं। बोले कृष्ण के वंशी धनी के इतना सरस माधुर्यता जो है। इसलिए देवलोक में रहने वाली जितने भी देवांगनाएं हैं मन स्त्रियाँ हैं, वो लोग भी अपने पतियों को भी त्याग देने के तैयार हो। जिस प्रकार कृष्ण ने वंशी धनी करने के साथ ही साथ समस्त गोपियां अपने गृह कार्य आदि सब कुछ त्याग दे करके गोविंद के उत्तर और दौड़ने लगे। क्या श्लोक है? निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया है हितमानस है। उनकी चित्त मन क्या हो गया? हरण हो गया है। और कैसे दौड़ रही है? है हजारों गोपियां जो एक साथ में सब दौड़ रही है, अलक्षितो उद्यमा, एक दूसरे को नहीं देख रही है। हजारों एक साथ, हजारों गोपियां एक साथ में दौड़ लगा रही है किंतु एक दूसरे के देख नहीं पा रही है। कारण क्या है? उनकी ये मन जो है एकमात्र कृष्ण में ही लगा हुआ है और वंशी के द्वारा उहरण करके आगे है। भागवत में इसी की वर्णन करते हुए टीकाकारों ने कहते हैं, गोपियां कहते हैं हमारे तो एक ही था, मन था। मन रूपी रत्नों को कृष्ण ने क्या कर लिया? चोरी कर लिया है। गोपियां मानो सो रही थी और कृष्ण वंशी धनी के द्वारा गोपियों की कानों में प्रवेश किया और कानों में प्रवेश करके उनके हृदय में जो महामूल्यवान जो रत्न मन और उसके चोरी करके फिर
बाहर आ गए। बाहर आकर के गोपियों की ललकारते हुए, ललकाना समझते कि नहीं है, ललकानों क्या बोलते हैं, चैलेंज मूड है, आया समझ, ललकारते हुए और गोपियों की उसके उनकी जो है महारत्न को दिखा करके दौड़ने लगे। तो गोपियाँ क्या करने लगी है, वह मन रूपी महारत्न को प्राप्ति करने के लिए और कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे है। कृष्ण कितने दूर तक है, एक चोर होते हैं और एक डकैत होते हैं, सामने सामने करते हैं। चोर जो है वो छुप करके चोरी करता है, आ समझे, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल अथवा मनी बैग ऐसे रख दिया नीचे, चोर क्या करता है, धीरे 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 आपके पास आ जाएंगे। और फिर देखा तो ये तो कथा में मत है, सुनने में मत है, और धीरे धीरे उसको सारे सामान को क्या कर दे, पीछे से साफ कर देते हैं। और जो डकैत जो होता है वो बहुत खतरनाक होते हैं, है वो चोरी, आप चोरी नहीं, आपके सामने सामने लेकर के आपको दिखा करके और आपको थप्पड़ मार करके आपको कर, मैं जा रहा हूँ, है ऐसे। तो उसी प्रकार कृष्ण ऐसे धूर्त है। कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों की मन रूपी माने महाबुल्यवान रत्न उनके हृदय में जो रखा था और उसको ले लिया और ले करके गोपियों की दिखाते हुए हैं और चल जाने, इसको कहते चैलेंजिंग मूड है। मैं तो ले लिया, जिसे रोकना है तो रोको है। काशी नरेश अपने तीन कन्याओं को विवाह के लिए बड़े बड़े राजाओं के बुलाया गया है, संगमर सभा में है, अपने तीन कन्या को जो है रख दिया, क्या क्या नाम, अम्बा अंबिका अम्बालिका है। और उस समय भीष्मा जो है इतने प्रतापशाली थे, उस शंबर सभा में बिना निमंत्रित होती हुई है प्रवेश किया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है, काशी नरेश भीष्म के निमंत्रण नहीं दिया गया है, किंतु भीष्म ने क्या की है, अपने चले गए। इसलिए बंगाल में कहते हैं गाय मानना अपनी मुड़ोल है, कोई मुझे माने ना माने अपने प्रकार प्रभाव विस्तार करे है, आ समझे, गाय माने ना अपनी मुड़ोल। गांव में कोई पूछे ना पूछे उसके कोई बात आते नहीं है, अपने दादागिरी करना शुरू कर देते हैं, अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देते। तो उसी प्रकार भीष्म पितामह के तो उस सभा में आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु वो आ गए, आकर के इतने धनुर्धर इतने प्रभाव विस्तार करने लगे है, और सभी राजाओं के जो है चैलेंज लेते हुए कहने लगे है, मैं ये तीन कन्या को जो है मैं लेकर के जा रहा हूँ है, किसकी क्षमता है तो मेरा बाण के साथ धनुष के साथ है युद्ध करें है कि नहीं है, महाभारत में दिखा कि नहीं दिखा है। तब समस्त राजा लोग भीष्म पितामह के जो है प्रभाव को जानते थे, इसलिए भीष्म पितामह ने किया कि कोई राजाओं ने जो है उठे नहीं है, सब सिर को नीचे रख दिया है,
और भीष्म पितामह ने तीनों राजकन्याओं को उठा करके अपने रथ पर बैठा ले चल दी। कहने की मेरा यह तात्पर्य है यहाँ पर भी कृष्णा की वंशीधनी उससे भी ना जाने कितने सगुना जो है ढीढ है, मैंने प्रभावशाली है। वो गोपियों के कानों में प्रवेश किया और कानों में प्रवेश करके हृदय में आ गया। ये कान क्या है, दरवाजा हो गया है, और दरवाजा से मैंने दरवाजा खुला हुआ था है, दरवाजे से घुसा है और आ गया हृदय में, गोपी के हृदय में। गोपी के हृदय में उनकी जो अत्यंत दुर्लभ परिपेशस, उनके मन जो है उसको हरान करके लेकर गया। अच्छा, उसके तो लेकर के लिया कोई भी बात नहीं, तब चैलेंजिंग मूड दिखाते हैं। डकैत जो है, चोर और डकैत में ही अंतर होता है। चोर जो है चोरी करता है, वो चैलेंजिंग मूड नहीं दिखाते, वो चैलेंजिंग मूड नहीं दिखाते। किंतु डकैत जो होता है वो क्या करते हैं, वो चैलेंजिंग मूड, जैसे मैंने कहा भीष्म पितामह का उदाहरण दिया है। उनके विवाह करना नहीं था है, विचित्र बीज और चित्रांगदा है, उन लोगों के लिए ये अपने प्रभाव डाल दे है, आ समझे। किंतु एक क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है, विरुद्ध है, विरुद्ध है कि नहीं। क्षत्रिय धर्म के ठीक है, आप अपने करो अपने विवाह के लिए है, इसलिए तो उनके गुरु क्या नाम है परशुराम उनके ऊपर बिगड़ गए। तुम्हें यदि विवाह करना नहीं है, तुम्हारे क्या जरूरत थी है, ये तीनों राजकन्या को तुम हरण करके ले आए, यही तो राजाओं उस समय जो अपने प्रभाव दिखाते थे। बहुत लोग प्रश्न करते हैं है, ये प्राचीन काल की इतिहास हम जितने सुनते हैं, प्राचीन काल में राजाओं के इतने विवाह क्यों करते थे है? है? तो उससे के प्रश्न के उत्तर है, उसमें प्राचीन काल में लोगों राजाओं जो है अपने प्रभाव, क्षत्रिय जो प्रभाव दिखा करके दूसरे राजाओं की वशीभूत कर लेते थे। और दूसरी कारण यह है, उनकी कन्याओं के साथ विवाह आदि करके उनके साथ एक मित्रता है भाव रखते थे है, इसलिए इस मित्रता सूत्र के साथ है राजाओं जो है एक राजा दूसरे राजाओं के साथ है बंधन होकर रहते थे, मित्र बंधन जिसको कहा जाता है, समझ में, यही कारण था और कोई कारण नहीं है। अरे जैसे कि तो महाराज एक करोड़ विवाह कर लिए, कौन जी में कर एक करोड़ का उसी प्रकार जो है पुत्र के लिए पुत्र के लिए इसलिए यहाँ पर हम किसके साथ उदाहरण दे रहे हैं, कृष्ण के वंशीधनी की के साथ उदाहरण दे रहे हैं। बोले कृष्ण के वंशीधनी कैसे प्रभावशाली है, है? है? सब गोपियों के मन को कैसे हरण कर लिया, चोरी कर लिया, चोरी करना नहीं क्या, डाकू जैसे हरण करके ले गया, किडनैप है, इसलिए कह रहे हैं। अकस्मात उसी न जाने कौन सा एक स्वभाव जो तो रोक लगाए इत्यादि वितर्क करते ही शीघ्र ही परित्याग कर देते हो। श्री कृष्ण की वंशी का ऐसे समर्थ है कि श्रवण करके करने के साथ ही साथ
श्रवण करके हृदय में श्री कृष्ण के साथ मिलन की लालसा उदित कराकर उसे व्याकुलित कर देती है। हमारे स्वर्गपुरी का एक नाम है त्रिदशालय, अर्थात इस स्थान पर बात्सल कैशोर और यौवन इन तीन दशाओं को अलावा वृद्धा अवस्था किसी भी नहीं होते है? इस स्वर्गलोक में कोई वृद्ध नहीं होते, मर्त्यलोक में वृद्ध हो जाते हैं। वृद्ध क्यों नहीं होते स्वर्गलोक में? अमृत भोजन करते हैं। अतः वहां किसी भी रमणी के वृद्धा नहीं होने के कारण वंशित धनी के श्रवण में सारी रमणियां एक ही प्रकार की अवस्था होती है। अतः कौन किसका तिरस्कार करेगी और कौन किसका उपहास करेगी? इस मुरली का शब्द स्वर्ग की नारियों की सदित्व धर्म का ध्वंस करने के लिए उस सभियों की पराजित कर देता है। यहाँ पर वो देवांगना जो है कृष्ण के मुरली ध्वनि का महिमा बता रहे हैं। इस प्रकार जब प्रतिदिन इस वंशित ध्वनि का स्वर्ग की देवियों पर निरंतर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रवृत्त होने लगी, उस समय एक दिन मैंने आश्चर्यपूर्वक मन ही मन विस्तार किया, ये विचार किया है, हाय इस किसी के वेणुध्वनि है? है ये वेणुध्वनि है किसका? है वह मधुर ध्वनि कहाँ से उदित हुई है और इस ध्वनि को करने वाले कौन है? इस सब बातों को विचार करके इस ध्वनि का अनुसरण करते हुए मैंने स्वर्ग से भूमंडल पर अवतरण किया तथा कुछ दिनों से मैंने वंशी बट पर सुखपूर्वक वास कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ श्री कृष्ण की जो सब विविध अनुपम लीला विलास आदि है उसे अपनी आंखों से देखा तथा उनकी कांता और प्रिय सखियों भी परिचित हुई हूँ। कृष्ण कैसे बोल रहे हैं, मैं स्वर्गलोक से आकर के कहाँ पर बैठे? वंशी बट में, क्योंकि कृष्ण अधिक रूप में कहाँ पर वंशी ध्वनि करते हैं? वंशी बट। वृंदावन में कितने वंशी बट है? अनेकों वंशी बट है, एक नहीं है। कृष्ण जहाँ जहाँ पर वंशी बजाए वहाँ पर वंशी बट हो गया, जोग में प्रकट कर देते हैं। किंतु तथापि वंशीवट करने पर वृंदावन में इसी की मान्यता होती है। काम्यवन में वंशीवट की कथा सुना नहीं है? नहीं तो भांडीर बट है वंशीवट, जिस बट के बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण वंशी बजाए उसे वंशीवट कहा जाता है। और एक वंशी बट कहाँ पर है? हम लोग जाते हैं जो वो वंशी भांडीर बट के पास, भांडीर बन में पास जो है वहाँ पर एक वंशी बट है जहाँ पर वो क्या बोले एक कुप है, वेणुकूप ना ललिता कुप है जो है, जहाँ पर श्री राम जो है कृष्ण विरह है वहीं पर रहते हैं। वो वंशी भट्ट की कथा भी हम श्रवण करते हैं भांडीर भट्ट के पास है, थोड़ा इधर आगे एक खेत से होते हुए हम लोग आते हैं।
कामनगर में गए थे, वहाँ जो नंद बड़ा घर है वहाँ कामनगर काम भवन इन सब बातों को विचार करके इस वंशित ध्वनि का अनुसरण करते हुए मैंने स्वर्ग से भूतल पर अवतरण किया तथा कुछ दिनों में मैंने वंशी बट पर सुखपूर्वक वास कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ श्री कृष्ण के जो सब विविध अनुपम लीला विलास आदि है वो अपने आंखों से देखा, उनकी कांता और प्रिय सखी से भी परिचित हुई है। अभी यहाँ पर रखते हैं, फिर काल पाठ करेंगे है। गुर प्रेमानंद है ये प्रेम संपूर्ण कर रहे ना, अप्सरा के दिवांगना के रूप धारण करके वहाँ गए हैं, राधा जी के पास गए। वो विश्वान वहाँ पर राधा जी यहाँ पर है, उनके आंगन में आकर के खड़ी हुई रहे तो राधा जी एक एक प्रश्न पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों दुखित हो, तुम्हारी क्या बात है, ये सारे एक एक करके प्रश्न पूछे तो उत्तर नहीं दे रहे है। तब अंत में राधा जी कहने लगे, मेरे पिताजी विश्वानु महाराज मेरे लिए ये अत्यंत सुगंध युक्त तेल मंगाया था वो हमारे पास है, वो तुम्हारे ऊपर लगा देता हूँ है। तब धीरे धीरे कृष्ण अर्थात दिवांगना जो है अपने कहने लगे, मैं कहाँ से आई हूँ, परिचय दिया है, देवलोक से मैं आई हूँ और ये समस्त गुर प्रेमानंद।